नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए तेल, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सिंगदाने का कूट, जीरा। एक पैन लीजिए, पैन के अंदर हम तेल लेंगे, तेल 3 या 4 चम्मच लीजिए। गैस को ऑन कीजिए और पैन गरम कीजिए। ऑयल गरम हुए बाद में कोई भी ऑयल, कोई भी तेल हम यूज कर सकते हैं। उसमें ऑयल गरम होने के बाद में उसमें राई और जीरा डाल दीजिए। गैस फुल फ्लेम पे रखिए। जीरा राई तड़तड़ने के बाद में उसमें हम डालेंगे भिंडी, कटे वाली भिंडी डालेंगे। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ, जो आप देखेंगे ये नम, ये क्या चिकट नहीं होना, भिंडी नम नहीं होना, बल्कि इसके अंदर हम मैंने डाली हूँ नींबू सत्व। नींबू रहा तो नींबू भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो नींबू सत्व डालने का 4-5 दाने, आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, छोटा आधा चम्मच हल्दी, धना कूट, सेंगदाने का कूट, स्वादानुसार नमक, कम या ज्यादा डाल सकते हैं। मसाला गैस का फ्लेम थोड़ा ले कम कर दीजिए ताकि भिंडी जल ना जाए। किसी किसी को कड़क पसंद आती है, थोड़ी अच्छे से फ्राई करके ले लेना, अच्छी लगती है भिंडी। इसे ढकिए मत, ढकने से भिंडी में नमी आ जाएंगी। इसे ऐसे ही हिलाते रहिए ताकि वो कुरकुरीत भिंडी बन सके। क्रंची भिंडी बनने के लिए इसने ढकना नहीं है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, ये भिंडी बहुत ही क्रंची बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, क्योंकि इसमें का चिकटपना सब निकल जाता है। इसमें नींबू या नींबू सत्व डालना भूलिए मत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स वॉचिंग।